तो भाई लोगों यार आज का वीडियो काफी ज्यादा हटके रहेगा क्योंकि आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक जेन्युइन स्टोरी सुनाने वाला हूं कि कैसे मुझे मेरी आईडी पे वी बैज मिला। काफी सारे बंदे तो ऐसा सोचते होंगे भाई इसके पास वी बैज है, इसके तो मजे हैं, इसको तो आसानी से वी बैज मिल गया होगा। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार। वी बैज लेने के लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी थी, काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था और एक वक्त तो ऐसा आया था कि मैंने यूट्यूब छोड़ने तक का फैसला कर लिया था। क्योंकि जब मुझे वी बैज मिलने वाला था तो उस वक्त मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि मैं एकदम डिप्रेशन के अंदर चला गया था, वीडियो वगैरह बनाने का बिल्कुल भी मेरा मूड नहीं कर रहा था और मैंने चैनल छोड़ने तक का फैसला कर लिया था। तो फिर मैंने ऐसा क्या किया, कैसे मैं वापस से YouTube पे एक्टिव हुआ, कैसे मैंने वीबेज लिया, बस आज के वीडियो के अंदर यही सब कुछ आप लोगों को बताने वाला हूं। एंड ये सब आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है, आपको मोटिवेशन मिल सकता है ये सब सुन के। तो पूरा स्टोरी आप लोग ध्यान से सुनना। तो बात लगभग आज से 1.5 साल पहले की है जब मैं YouTube पे नया नया आया था और मैंने स्टार्टिंग की थी लीक्स एंड अपडेट्स की वीडियो से, जहां पे मैं लीक्स एंड अपडेट्स की वीडियो बनाया करता था, लोगों को इवेंट्स वगैरह समझाया करता था और अपकमिंग कौन से इवेंट आने वाले ये सब बताया करता था। उस वक्त मैं फ्री फायर कम्युनिटी के किसी भी यूट्यूबर को पर्सनली नहीं जानता था और ना ही किसी यूट्यूबर के मेरे पास नंबर थे। उस वक्त मैं सिर्फ 4 या 5 चैनल को जानता था जो मेरी तरह लीक्स एंड अपडेट्स की वीडियो बनाया करते थे। तो बात कुछ ऐसी हुई कि जिस 4-5 यूट्यूबरों को मैं जानता था उनमें से एक यूट्यूबर को एक सुबह अचानक से वी बैज मिल गया। पता नहीं कैसे मिला बट उसको वी बैज मिल गया। जब मैंने उसके चैनल पे जाके वीडियो देखे तो वहां पे फ्री फायर वालों ने उसको काफी सारे आइटम सेंड करके रखे थे और उसने अपने चैनल पे वीडियो डाल रखा था। तो भाई जब मैंने ये देखा तो मेरा पूरा दिमाग एकदम खनक गया और मैंने सोचा भाई अपने को भी वी बैज चाहिए यार। फिर क्या होना था, फिर आपका भाई लग गया रिसर्च पे। मैंने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया कि भाई ये वीबेज कैसे मिलता है। फिर मुझे पता चला कि वीबेज लेने के लिए आपको फ्री फायर का पार्टनर प्रोग्राम ज्वाइन करना पड़ता है। फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखे कि भाई कैसे हम फ्री फायर का पार्टनर प्रोग्राम ज्वाइन करें। तो वहां पे काफी सारे बंदों ने बता रखा था कि फ्री फायर के एक पार्टनर प्रोग्राम की वेबसाइट होती है, वहां पे जाके ऐसे ऐसे फॉर्म भरो आपको वीबेज मिल जाएगा। जैसे ही आपके भाई ने ये सब सुना मैं भाग के उस वेबसाइट पे गया एंड वहां पे एक फॉर्म था, वो फॉर्म पूरा का पूरा फिल कर डाला बट वहां से मुझे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने ये फॉर्म कम से कम 3 या 4 बार भरे थे बट मेरे को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर क्या होना था यार, फिर आपका भाई एकदम उदास हो गया। मैंने सोचा यार मुझे तो वीबेज मिलेगा नहीं, क्या करें ये सोच ही रहा था कि 2-3 दिन बाद मेरी मुलाकात हुई एक यूट्यूबर से। अब जिस यूट्यूबर से मेरी मुलाकात हुई उसको भी फ्री फायर का पार्टनर प्रोग्राम ज्वाइन करना था और मुझे भी फ्री फायर का पार्टनर प्रोग्राम ज्वाइन करना था। मेरे पास नॉलेज नहीं था बट उस बंदे के पास नॉलेज था, उसको पता था कि फ्री फायर का पार्टनर प्रोग्राम कैसे ज्वाइन करते हैं। तो उस यूट्यूबर भाई ने मेरे को बोला कि यार ये फॉर्म भरने से तुम फ्री फायर का पार्टनर प्रोग्राम कतई ज्वाइन नहीं कर पाओगे, इसके लिए तुमको गेम वालों से बात करनी होगी। तो मैंने सोचा यार हम गेम वालों से कैसे बात करेंगे, मतलब इतना बड़ा गेम है हम उनसे कैसे बात करेंगे। तो उसने मेरे को बताया कि यार ऐसे मॉडरेटर होते हैं, ऐसे ऐसे तुमको मॉडरेटर से बात करना है, सब कुछ उसने मेरे को बता दिया। अभी उसने बोला कि यार मॉडरेटर का नंबर मेरे पास नहीं है, तुमको कहीं से भी करके मॉडरेटर का नंबर जुगाड़ करना है। तो बस आपका भाई लग गया मॉडरेटर के नंबर जुगाड़ करने में। आपके भाई ने काफी ज्यादा मेहनत की मॉडरेटर के नंबर जुगाड़ करने में बट आपके भाई को कहीं से भी मॉडरेटर का नंबर नहीं मिला। मैं एकदम उदास हो गया, मैंने सोचा यार मुझे वीबेज नहीं मिलेगा कैसे भी करके। बट इसी के साथ मुझे एक बहुत ही बड़ा झटका लगा जब मुझे पता चला कि जो बंदा मेरे साथ पार्टनर प्रोग्राम ज्वाइन करने वाला था, जिसको मॉडरेटर का नंबर चाहिए था, उसकी आईडी पे वी बैज लगा। बस ये देख के तो मेरी आंखें एकदम खून के आंसू रोने लगी, मैं एकदम उदास हो गया, एकदम रोने लगा यार, कतई मतलब क्या बोले यार, स्कैम हो गया था मेरे साथ। जो बंदा मेरे साथ पार्टनर प्रोग्राम ज्वाइन करने वाला था उसने मेरे से पहले पार्टनर प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया, अपनी आईडी पे वी बैज भी ले लिया और मुझे बताया तक नहीं। फिर क्या था, फिर मैंने उसको रिक्वेस्ट डाली और उसके ग्रुप में गया और उसको जाके पूछा कि यार तेरे को वी बैज कैसे मिला, तूने मुझे क्यों नहीं बताया। तो उसने बोला कि यार बस अचानक से एक दिन के अंदर ही मिल गया। तो मैंने सोचा यार मिल सकता भाई, एक दिन के अंदर क्यों नहीं मिल सकता, मुझे पता नहीं था भाई वीबेज मिलने का क्या मेथड होता है, कैसे वीबेज मिलता है। अभी आपका भाई एकदम उदास रहने लगा, यार साथ वाले को वीबेज मिल गया था, मुझे वीबेज नहीं मिला था, तो जलन तो होती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, उसके बाद मेरी एक और यूट्यूबर से दोस्ती हुई जो कि पहले से पार्टनर प्रोग्राम के अंदर। तो मैंने उससे पूछा यार ये फ्री फायर का पार्टनर प्रोग्राम कैसे ज्वाइन करते हैं, मुझे भी फ्री फायर का पार्टनर प्रोग्राम ज्वाइन करना है, मुझे भी अपनी आईडी पे वीबेज चाहिए। तो उसने मेरे को बोला कि पहले आप लोगों को फ्री फायर के मॉडरेटर से बात करने का होता है, उसके बाद आप लोगों को 1 महीने का प्रोवेशन रहता है वो कंप्लीट करने को होता है, देन उसके बाद आपकी आईडी पे वीबेज मिलता है। तो मैंने उसको बोला यार ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे एक दोस्त ने तो सिर्फ एक दिन के अंदर ही वीबेज ले लिया। उसने बोला कि उसने तेरे से झूठ बोला है, क्योंकि यार कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो, कितने भी सब्सक्राइबर हो, उसको वीबेज लेने के लिए कम से कम 1 महीने का प्रोवेशन तो कंप्लीट करना ही होगा। मुझे पता चल गया था यार मेरे उस दोस्त ने मेरे साथ धोखा किया था, उसने मेरे साथ बहुत ही बड़ा स्कैम किया था। एंड ये पता चलने के बाद मैं एकदम आग बबूला हो गया था बट मैं उसको बोलता तो बोलता। अभी मैंने अपने मन के अंदर एकदम ठान लिया था कि मुझे अपनी आईडी पे वीबेज लगाना है और उसको दिखाना है, मैं वीबेज लगा के ही उसको अपनी शक्ल दिखाऊंगा। बस फिर क्या था, उस दोस्त ने मेरी हेल्प की, उसने मेरे को मॉडरेटर का नंबर दिया और बोला कि कॉल कर लेना एंड बोल देना कि मेरे को फ्री फायर का पार्टनर प्रोग्राम ज्वाइन करने को है। बस मैंने अपने दोस्त से मॉडरेटर का नंबर ले लिया और मॉडरेटर को कॉल मिला दिया। अभी क्या था यार मेरे को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि फ्री फायर के मॉडरेटर से बात करनी थी, किसी गली के गुंडे से बात नहीं करनी थी, काफी ज्यादा डर लग रहा था मेरे को एंड काफी ज्यादा नर्वस था। तो मैंने यहाँ पे कॉल मिलाया, उन्होंने कॉल उठाया तो मैंने बोला कि सर मैं यहाँ पे प्रहलाद गेमिंग FF चैनल से बोल रहा हूँ, मेरे इतने इतने यूट्यूब पे सब्सक्राइबर है और मेरे को फ्री फायर का पार्टनर प्रोग्राम ज्वाइन करना। तो उन्होंने बड़े ही प्यार से मेरे से बात की और मेरे को बोला कि अभी जो पार्टनर प्रोग्राम है सिर्फ मिलियन सब्सक्राइबर
सब्सक्राइबर वालों के लिए ओपन है। जिनकी 3 लाख 4 लाख 1 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर है वो फ्री फायर का पार्टनर प्रोग्राम फिलहाल ज्वाइन नहीं कर सकते। तो बस यार इतना सुनने के बाद आपका भाई फिर से उदास हो गया, क्योंकि आपके भाई की उस वक्त सिर्फ 1.5 लाख सब्सक्राइबर थे। तो मैंने सोचा यार मेरे लिए पार्टनर प्रोग्राम बना ही नहीं है, मैं पार्टनर प्रोग्राम ज्वाइन कर ही नहीं सकता। अभी मैं एकदम उदास था, अपने चैनल पर वीडियो डालता रहता था, अपनी पब्लिक का मनोरंजन करते रहता था, उनको न्यूज देते रहता था, बस अपने नॉर्मल काम में लगा हुआ था। बट अचानक से 3 दिन बाद मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है, एंड जब मैं मैसेज जाके चेक किया तो मेरे को पता चला कि मेरे को एक ग्रुप में ज्वाइन कर रखा है, एंड ये ग्रुप फ्री फायर वालों का है। बस इतना देखने के बाद मेरे को बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। मैंने अपने सारे दोस्तों को कॉल मिला के बोल दिया कि आपके भाई को कुछ ही दिनों में वी बैच मिलने वाला है, वी बैच मिलने वाला है, वी बैच मिलने वाला है। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, सबको कॉल लगा लगा के बोल रहा था कि वी बैच मिलने वाला है, मिलने वाला है। अभी मैं बहुत ही ज्यादा खुश था, सबको चिल्ला चिल्ला के बता रहा था वी बैच के बारे में, सबको बोल रहा था अभी आपका भाई प्रो प्लेयर बनने वाला है, आपके भाई की बहुत ही ज्यादा इज्जत होने वाली है, ये वो वगैरह वगैरह। बट मेरे को नहीं पता था कि भाई आपके भाई की ये खुशी थोड़े ही दिनों की। अभी आपका भाई बार बार यार हर एक मिनट के बाद व्हाट्सएप चेक कर रहा था और देख रहा था कि उस ग्रुप में कोई ना कोई मैसेज आएगा, कोई ना कोई मैसेज आएगा। शाम तक वेट करने के बाद शाम को उस ग्रुप के अंदर एक मैसेज आया और बोला कि भाई कल शाम को आपको 5 बजे डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन होना है। उस ग्रुप के अंदर हम 30 बंदे थे, 30 के 30 कल शाम 5 बजे हम डिस्कॉर्ड पे पहुंचे। वहां पे एक मॉडरेटर ने हमको सारे रूल वगैरह समझा दिए कि आपका 1 महीने का प्रोवेशन रहेगा, आपको उसके अंदर ना तो क्लिकबेट करना है, ना कोई फालतू की वीडियो डालने, हैकर वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं डालना है, और 1 महीने आपको सही से अपना चैनल चलाना है। तो भाई आपके भाई ने सारे रूल रेगुलेशन एकदम अच्छे से फॉलो किए, 1 महीने तक कोई भी क्लिकबेट नहीं किया, एंड ये सब करने के बाद आपके भाई को मिला क्या? धोखा। जी हां, सही सुन रहे हो, 1 महीने की मेहनत के बाद मेरे को धोखा ही मिला। मैंने 1 महीने तक अपने चैनल पे कोई भी क्लिकबेट वीडियो नहीं डाले थे, काफी मेहनत किया था, बट 1 महीने के बाद स्टिल मेरे को धोखा ही मिला। 1 महीने बाद जब मेरा प्रोवेशन कंप्लीट हुआ तो भाई उन्होंने फिर से हमको एक डिस्कॉर्ड मीटिंग पे बुलाया। मैं काफी ज्यादा खुश था, मैंने सोचा मेरा प्रोवेशन कंप्लीट होगा, अब मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, मेरे को वी बैज मिलेगा, काफी खुशियां थी। बट 1 सेकंड के अंदर सारी की सारी खुशियां मिट्टी में मिल गई। हम 30 बंदे वेट कर रहे थे भाई कौन कौन सिलेक्ट हुआ है, कौन कौन नहीं सिलेक्ट हुआ है। मेरी धड़कने एकदम तेज हो रखी थी। मॉडरेटर ने हमको बताया कि मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ कि कौन कौन बंदे सिलेक्ट हुए हैं। मॉडरेटर के पास एक लिस्ट था, उसने नाम अनाउंस करने स्टार्ट कर दिए, एक एक करके सबके नाम लिए जा रहा था, बट आपके भाई का नाम कहीं पे भी नहीं आ रहा था। मैं एकदम उदास होने लगा था, सारे बंदों का नाम ले लिया था बट मेरा नाम स्टिल कहीं पे भी नहीं। तो मैंने मॉडरेटर से बोला कि सर आपने मेरा नाम नहीं लिया। तो उसने बोला रुको मैं चेक करता हूँ। उसने पूरा लिस्ट चेक किया और बोला कि प्रहलाद गेमिंग आप सिलेक्ट नहीं हो। बस इतना सुनने के बाद मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था, एकदम रोने वाला हो गया था मैं, एकदम डिप्रेशन में चला गया था, क्योंकि 1 महीने तक मैंने फुल मेहनत किया था, क्लिकबेट वगैरह सब कुछ बंद कर दिए थे, मेरे चैनल बिल्कुल डाउन चले गए थे, एकदम रोने लगा था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि मैं सबको चिल्ला चिल्ला के बोल रखा था कि मेरे को वीबेज मिलने वाला है, अभी वीबेज नहीं मिलेगा तो मेरी बेइज्जती होने वाली थी, एकदम कन्फर्म था। सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं पे आने वाला था। मॉडरेटर ने हम सबको बोला कि जो भी बंदे सिलेक्ट नहीं है उन बंदों का फिर से 1 महीने का प्रोवेशन चलेगा, और उसके बाद जो भी बंदे सिलेक्ट होंगे उनको फिर से बता देंगे। तो मैंने सोचा फिर से मेरे को सिलेक्ट नहीं करेंगे, कन्फर्म है। तो मैंने मॉडरेटर की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, मैं अपनी मेहनत करने लगा, अपने चैनल पर वीडियो डालने लगा, एकदम क्लिकबेट वगैरह करने लगा, मेरा चैनल फिर से अच्छा चलने लगा। बट यहाँ पे 1 महीने बाद फिर से मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आया और हमको बोला कि आप लोगों को शाम 5 बजे को डिस्कॉर्ड पे। मैंने सोचा चलो चलते हैं डिस्कॉर्ड पे जाके देखते हैं कि कौन कौन सिलेक्ट होने वाले हैं, क्योंकि कन्फर्म था कि मुझे सिलेक्ट करने वाले नहीं थे, क्योंकि मैंने अपने चैनल पर काफी ज्यादा क्लिकबेट किया था, तो मेरे को तो बिल्कुल भी सिलेक्ट करने वाले नहीं थे। उन्होंने फिर से नाम अनाउंस किया, एक एक करके सबके नाम ले डाले, बट आपके भाई का नाम फिर से नहीं लिया। तो मैंने उनसे फिर से बोला कि भाई यार मेरा नाम इस बार क्यों नहीं लिया। तो उन्होंने बोला कि स्टिल मैं 1 मिनट चेक करके आपको बताता हूँ। मॉडरेटर ने चेक किया और बोला कि हाँ प्रहलाद गेमिंग आपका भी नाम है। बस फिर क्या था यार, आपके भाई की मेहनत यहाँ पे रंग ला गई, आपके भाई को वीबेज मिल गया। मतलब मैंने जब क्लिकबेट करना बिल्कुल ही बंद कर दिया था, तब वहां पे उन्होंने बोला कि यार आपका चैनल अच्छा नहीं है, एंड जब मैंने फुल क्लिकबेट किया तो उन्होंने बोला कि भाई आपका चैनल सिलेक्ट है। मतलब यार ये दुनियादारी है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एंड काफी मेहनत किया मैंने। अगर आप लोग सोचते हो कि आसानी से मिल गया तो आसानी से बिल्कुल भी नहीं मिला, काफी ज्यादा मेहनत की थी इस वीबेज को लेकर। और इसके पीछे एक और स्टोरी है, एक बंदे ने मेरे को बोला था कि भाई तेरी गिल्ड में कोई भी नहीं आएगा, ऐसा वैसा करके मेरे को काफी ज्यादा सुनाया था। उस वक्त मैंने बोला था कि मेरी गिल्ड में आने के लिए बंदे तरसेंगे। अभी वो क्या स्टोरी थी, अगर वो आपको सुनना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट वीडियो उसी पे आने वाला है।